नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये अभी करीब एक सप्ताह हो गया है इसके गुलाब के नीचे से सॉइल निकाले हुए, गड्ढा बनाए हुए, और आज मैं आपसे इसमें क्या फर्टिलाइज़र डालना है और कितनी कितनी मात्रा में डालना है उसे मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सब अब अच्छी तरह से सूख गया है। दोस्तों, एक एक कर मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन ये करीब करीब 20, 25 या 30 भी हो सकता है उतने रोज के प्लांट के लिए तैयारी हो रही है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये आपका पोटास है, ये बोन मिल है, बोन मिल यानी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर। यहाँ बायो पावर है, बायो पावर या गुलाब का जो होता है, गुलाब का अलग से आता है उसका फर्टिलाइज़र, वो भी आप दे सकते हैं, रोज़ फर्टिलाइज़र उसको बोलते हैं। दोस्तों, यहाँ थाइमेट है, ये दिमक वगैरह जो गुलाब के पेड़ में लग जाते हैं उसको रोकता है। और यहाँ पर आप SSP देख रहे हैं, साथ ही यहाँ DAP आपको दिखाई दे रहा है, ये DAP है, और बीच में यहाँ सरसों की खल्ली है। साथ ही आप देखोगे इप्सम सॉल्ट, तो इप्सम सॉल्ट को जानते हैं आप कि अगर बाहर निकाला जाए तो ये तुरंत पानी हो जाता है, गल जाता है, इसलिए इसको अभी मैं यहाँ पर बाहर नहीं निकाली हूँ। तो इस तरह से सारे फर्टिलाइज़र की यहाँ तैयारी की गई है। और साथ ही आप यहाँ देखेंगे काउडंग रखे हुए हैं, ये करीब करीब 20-25 KG काउडंग, अभी और थोड़ा लगाना ही है इसमें होंगे, और सबको मिलाकर तैयार करनी होगी। दोस्तों, इसमें जितनी भी फर्टिलाइज़र आप देख रहे हो सब आधा आधा KG है, और बीच में जो खल्ली आप देख रहे हो वो 1 KG है। तो इस तरह से आप सारे चीज़ को रखोगे, करीब करीब 25-30 गुलाब में ये काम में आ जाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर एक दो ही पौधे हैं तो क्या करें। तो आप 100 ग्राम के हिसाब से आप हर एक चीज़ को रख सकते हैं, खल्ली को आप दुगुना कर दें, और गोबर खाद तो अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ तैयार हो रहा है, वो तो काफ़ी लगता है, तो ये सारे को मिलाकर तैयार करना है। ये क्या डाल रहे हैं आप अभी? थाइमेट। ये क्या करेगा? गोबर में मिलाएंगे। अच्छा, तो ये फ़ायदा क्या होगा इससे? फायदा इसका दीमक के लिए, दीमक नहीं पकड़ेगा। दीमक नहीं पकड़ेगा, ठीक। फॉस्फेट है, अच्छा, चलिए उसको भी मिला दिए। सबको गोबर में ऊपर डाला जा रहा है, इसमें गंध भी आ रहा है। DAP है, DAP, अच्छा, वो भी आधा किलो, लेकिन एक पौधे के लिए 100 ग्राम काफी है। पोटास ये भी आधा किलो है, लेकिन एक पौधे में आप 100 या 100 से थोड़ा बहुत कम डाल सकते हैं। बोन मिल, अच्छा, बोन मिल जो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, ये हमेशा धीरे धीरे करके अपने गुलाब को खाद देते रहेगा, बोन मिल फर्टिलाइजर। अच्छा, क्या बोले ये क्या है? बायो पावर। अच्छा, ये बायो पावर है, और ये आपके पौधे को हर तरह से स्वस्थ रखेगा, और ये फूल आपके बहुत बड़े आएंगे। इसके जगह पर आप रोज का फर्टिलाइजर आता है उसको भी डाल सकते हैं। खल्ली, सरसों वाली खल्ली है, इसमें रूट लाता है, फूल बढ़ाएगा, फूल बढ़ाएगा, बड़ा फूल होगा, और रूट को मजबूत करेगा, जड़ को मजबूत करेगा। और हम लोग ऐसे फुला कर देते हैं, लेकिन अभी जब गुलाब का रूट खुला हुआ है तो अभी सबको मिलाकर रूट में भर दिया जाएगा। अभी सबको कैसे मिलाइएगा? कुदाल से, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है।
थोड़ा सा रहता है तब तो हम लोग हाथे से मिला लेते हैं, कुदाल से मिलाइएगा, मिलाइए। दोस्तों अब इप्सम सॉल्ट जो लास्ट में इसमें डाला जा रहा है, ये आपका इप्सम सॉल्ट है, ये करीब करीब 100-150 ग्राम डाल देने से ठीक रहेगा। और ऐसे भी हम लोग ऊपर से इसका स्प्रे करते हैं या पौधे में टाइम टू टाइम देते रहते हैं। और इप्सम सॉल्ट की खासियत बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हो कि पौधे के लिए कितना फायदेमंद है। ज़्यादा है इसलिए मैं 250 के करीब इसमें 250 ग्राम के करीब मैं इसमें डलवा दे रही हूँ। दोस्तों अक्सर होता यह है कि जो प्रोफेशनल हैं वो क्या करेंगे कि आपको बताएंगे नहीं, लेकिन मेरे यहाँ दशरथ जी एकदम अच्छे से आपको सारी चीज़ बता देते हैं कि क्या क्या डालनी है और कैसे डालनी है। देखिए गोबर सब मिला हुआ है इसमें, इसमें 2 किलो अंजाद से हम एक पौधा में दे रहे हैं गुलाब में। दोस्तों तो अब लेकर के ये खाद आ गए हैं और डाल रहे हैं, रोज रोज का ये आप पौधा देख रहे हैं। इसमें करीब करीब ये पुराना पेड़ है, 4-5 साल पुराना है, तो 2 केजी इसमें से गोबर खाद और इसमें सारा मिला हुआ खाद लेकर ये आए हैं। पहले तो इसको इन्होंने रूट के पास डाल दिया है, अब इसके साथ ये क्या करते हैं फिर देखते हैं। अब क्या करिएगा इसको, अब उसको क्या करने वाले हैं? इसको आप डाल दिए, उसके बाद मिट्टी इसको ढक देंगे हम। मिट्टी कहाँ से? बगल वाला मिट्टी ही? बगल वाला मिट्टी से। अच्छा, उसे ढक देंगे। तो दोस्तों इस तरह से सारे में अभी फर्टिलाइजर डाल दिया गया है, आप देखेंगे एक एक पेड़ के नीचे डाला गया है, लेकिन अभी भी काम बाकी है। जिस जगह पर बडिंग हुआ है उतना हिसाब से, उसी के हिसाब से गोबर इसमें दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी इसको ढक दीजिए, मिट्टी बंद कर दीजिए, इसको से ढक के बंद कर दें, बंद कर दीजिए। उसी का हिसाब से गोबर मतलब दिया जाता है, उससे बहुत ज़्यादा नहीं, जहाँ इसका बडिंग किया हुआ है उसी का लेवल से। अब मिट्टी को भर के इन्होंने बराबर कर दिया है, पानी जरूरी है ना अभी? हाँ, तो आप पानी आप भर के पूरा दे दीजिए अपना। अच्छा, भर के पानी दे दिया जाए। अच्छा, एक ही दिन देना है या लगातार और भी? दो दिन का बाद फिर तीसरा दिन में दीजिएगा। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो अब मैं यहीं पर चलती हूँ, ये बाकी सारा काम धीरे धीरे करके ये सब में मिट्टी भराते जाएगा और पानी इस तरह से पटा देनी है, जम के पहले पानी दे देना है। और इसी के साथ मैं चल रही हूँ, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।